मानव का कार्मिक विकास क्या है, ये आमतौर पर कैसे कार्य करता है, यानी आधुनिक मानव का चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार विकास हुआ था, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ था और हम कैसे इस आधुनिक दुनिया में सबसे समझदार और असरदार प्रजाति के रूप में उभरे होंगे। अगर कहा जाए तो हमारा अस्तित्व प्रारंभिक मानव प्रजाति से ताल्लुक रखता है जो कि होमोजेनियस से रिलेटेड प्रथम प्राणी है, यानी जो होमोजेनियस हैं वो ऑस्ट्रोपैथिकस के जीन से संबंध रखते हैं जो काफी हद तक पूर्व और पश्चिम अफ्रीका में स्थित थे। कहा जाए तो जेनियस नाम के इन प्राणियों के इन भौगोलिक विस्तार को भी ये दर्शाता है। दक्षिण भाग में पाए जाने वाले एप्स के लिए ग्रीक कहा गया क्योंकि ये बंदर नहीं थे, जिनकी वजह से इन्हें होमोजेनियस नाम दिया गया। होमोजेनियस की प्रथम प्रजाति को होमो हैबिलिस कहा गया, जिसे अंग्रेजी में हैंडीमैन कहा गया। ये प्रजाति अर्ली प्लास्टोसीन के दौरान यहाँ पृथ्वी पर रहते थे, जो कि लगभग 2.3 या 1.5 लाख साल पहले अस्तित्व में थे। होमोजेनियस ने इनकी जगह पर कई वार्तालाप हुए थे क्योंकि ये प्रजाति ऑस्ट्रोपैथिकस जेनियस स्पीशीज के साथ कई समान गुण शेयर करते थे। ये मुख्यतः ऑस्ट्रोपैथिकस से इसलिए अलग थे क्योंकि उन्होंने मुख्य रूप से मांस को काटने के लिए पत्थरों के अनेक औजार बनाए थे, जिससे वो भारी से भारी जानवरों के मांस को आसानी से काट सकते थे। ये अधिक मांस पर निर्भर रहते थे, जिससे इनके दिमाग पर पहले के मुकाबले काफी असर देखने को मिला था। होमो सेपियंस लगभग 80,000 साल पहले अफ्रीका से यूरोप और एशिया में फैल गए थे, तो कहा जाता है कि उनका सामना अन्य मानव जातियों से हुआ होगा जो लगभग इनके समांतर दिखाई पड़ते थे। और फिर तथ्यों से यह पता चलता है कि नियंदरथल के साथ साझा किए जाने वाला डीएनए अन्य प्रजातियों में भी पाए गए, यानी कहा जाए तो होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रोपैथिकस के सभी गुण आधुनिक मानव से आए हैं। यानी कहा जाए तो ये सभी प्रजातियां शुरुआती समय से ही इंसान के रूप में थे और वो करीब हजारों साल पहले धरती के अनेक भागों में घूम रहे होंगे। चार्ल्स डार्विन के अनुसार कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, भले ही क्यों ना वो एक ही प्रजाति से संबंध रखते हों। कुत्तों में भी तीन से भी अधिक अलग अलग प्रजाति हैं, फिर भी वो सभी एक तरीके के नहीं दिखते हैं। उनका ओरिजिन जंगली भेड़ियों से हुआ है जो कई साल पहले अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, कई कारणों की वजह से हम अपने जेनेटिक गुणों को 99% चिंपैंजी और गोरिल्ला के साथ साझा करते हैं, जो कि हमें ये दर्शाता है कि हम सभी के कॉमन पूर्वज एक ही रहे होंगे। और साथ ही ऐसे कई हजारों अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि हमें इन तथ्यों को सच साबित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।